हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग में आई एम गोइंग टू शेयर एन आईकिया प्रोडक्ट फॉर यू व्हिच इज़ ए लैपटॉप स्टैंड। और अभी मैं आईकिया के स्टोर में मौजूद हूँ। आईकिया का स्टोर एक स्वीडिश स्टोर है जिसमें आपको बहुत ही एस्थेटिक, खूबसूरत और प्रैक्टिकल फर्नीचर देखने को मिलता है। इसके स्टोर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मौजूद हैं और यहाँ से मैं ये लैपटॉप स्टैंड लेकर आई हूँ और इसको मैं आपके सामने अनपैक करती हूँ और असेंबली भी आपको दिखाती हूँ। ये विटसोस का लैपटॉप स्टैंड है और इसकी बाकी की डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर ऐड कर दूंगी। कलर इसका ब्लैक है और ये टेम्पर्ड ग्लास और मेटल का बना हुआ है। असेंबली के लिए सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग को रिमूव करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग के अंदर आपको स्क्रूज़ मिलेंगे जो इसके साथ ही प्रोवाइडेड होते हैं। इसके अलावा आपको एक बेस का मेटल फ्रेम मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही में एक आपको टॉप का मेटल फ्रेम भी मिलेगा। इसके अलावा 4 लेग्स होंगी स्टैंड की और साथ में एक टेम्पर्ड ग्लास होगा जो कि आपके टॉप फ्रेम के ऊपर जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट को असेंबल करने से पहले उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आइडिया हो जाए कि किसी भी प्रोडक्ट को आपने कैसे असेंबल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बेस फ्रेम है उसको मैंने यूज़ किया है और इसके बाद जो 4 मेटल फ्रेम लेग्स हैं उनको मैं इस बेस फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर दूँगी। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रूज़ वाली जगह देख सकते हैं, वहाँ पर मैं इनको लेग्स को एडजस्ट कर रही हूँ। ये करते हुए इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो स्क्रूज़ की डायरेक्शन है वो दोनों फ्रेम्स और लेग्स की सेम होनी चाहिए। उसके बाद आप इसका टॉप फ्रेम जो है वो भी लेग्स के साथ एडजस्ट कर लें और फिर जो स्क्रूज़ दिए गए हैं और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इन स्क्रूज़ को फ्रेम के अंदर फिक्स कर लीजिए। और इसमें टोटल टाइम मुझे इसको बनाने में तकरीबन 30 मिनट्स लगे होंगे, क्योंकि टोटल 8 स्क्रूज़ हैं जो आपको इस फ्रेम के अंदर यूज़ करने होते हैं। थोड़ा सा ये लेबर वर्क है जिसमें आपको मैन्युअली इन स्क्रूज़ को जो है वो टाइटन करना होता है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। आप ड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रिल इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर दिस पर्पज़। वैसे तो आईकिया आपको असेंबली सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन छोटे मोटे फर्नीचर को आप ख़ुद भी असेंबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा फर्नीचर जैसे कि वार्डरोब को असेंबल करना है, 4-door वार्डरोब है या इसी तरीके का कोई और बड़ा आइटम है, तो ऑब्वियसली आई विल रिकमेंड कि आप आईकिया की असेंबली सर्विस को थोड़े से और अमाउंट दे के अवेल कर सकते हैं, जिससे आपको उसको बनाने का जो हेडेक और झंझट है उससे आपको निजात मिल सकती है। और ये है जी मेटल फ्रेम की फ़ाइनल लुक, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और अब इसके साथ आप बिफोर आई पुट दी टेम्पर्ड ग्लास ऑन द टॉप ऑफ द फ्रेम, आपको यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल से मिलेंगे जो कि स्टिकी सी हैं, दैट आई एम प्लेसिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस फ्रेम, ताकि वो जो मेटल है उसको जो ग्लास है उसको मेटल के साथ लग के वो स्क्रैच नहीं हो जाए या वो ब्रेक नहीं हो जाए। तो ये प्रोटेक्शन के लिए जो छोटे छोटे स्टिकीज़ हैं, आपको कह लें स्टिकी टेप्स हैं, वो आप इसके ऊपर प्लेस करेंगे। और अब यहाँ पर मैं इसकी टेम्पर्ड ग्लास पे से ये लेबल रिमूव कर रही हूँ और इसके बाद चलें अब इसको फ्रेम के ऊपर प्लेस करते हैं। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई लैपटॉप स्टैंड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो उसको काउच के फ्रंट पे रख सकते हैं, आप उसको बेड में यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लैपटॉप स्टैंड इज़ इट इज़ वेरी ईजी टू मूव एंड लिफ्ट। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज नॉट सिर्फ इसकी असेंबली और इंस्टॉलेशन बहुत ईजी थी, बल्कि इट इज़ डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी एज वेल। मैं अब आपसे यहाँ पर लूँगी इजाज़त और आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।